रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। सऊदी अरबिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल्लिक भाई बिलाल अकबर साहब का एक नया बयान सामने आया है। यहां पर मैं आपको साथ वो बयान भी शेयर करता हूं और इसमें एक पॉइंट बिलाल अकबर साहब की तरफ से खुद से कहा गया है। आप भाइयों के साथ मैं कुछ अपनी पहली वीडियो में वो पॉइंट भाई आपको बता चुका हूं कि ऐसा होगा मेरे हिसाब से। तो बिलाल अकबर साहब की तरफ से भी ये पॉइंट भाई उजागर कर दिया गया, यानी कि 23 अगस्त को, जैसा कि आपको यहां पर मैं दिखा रखा हूं, एक भाई ने फ्लैट्स के मुतलक पूछा था और बोला था कि हम भाई 2 साल 3 साल कितने साल में ओपन होगी हमको बता दें, हम किसी और तरफ मूव कर जाएं। तो बिलाल अकबर साहब ने उनको रिप्लाई किया था कि 23 यानी कि 23 अगस्त को सऊदी काका के साथ हमारी मीटिंग है, तो हम इंशाल्लाह ताला उसमें कुछ ऑप्शन उनके आगे रखेंगे इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतलक। पाकिस्तान की फ्लैट्स भाई बहाल करें, खुदा का नाम है। तो उसमें और भी कई मामलों के ऊपर बात होगी, वो तो हम भाई जैसे ही वो डिटेल सामने आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं आज की ट्वीट के ऊपर। तो वहां पर एक बंदे ने और बिलाल अकबर साहब को भाई कमेंट किया था, आपको यहां पर वो कमेंट भी मैं दिखा रखा हूं, आप देख सकते हैं। इसमें इस बंदे ने पूछा था, सर बेस्ड ऑन योर लास्ट मीटिंग हाउ मच यू आर श्योर दैट दे विल ओपन फ्लैट सून, प्लीज रिप्लाई। आपकी जो मीटिंग हो रही है, आपको कितने फीसद चांस हैं कि फ्लैट्स ओपन हो जाएंगी सऊदी अरेबिया की? तो बिलाल अकबर साहब की तरफ से इस बंदे को 3 रिप्लाई किए गए हैं जी मेरे भाई। एक रिप्लाई यहां पर मैं दिखा देता हूं, इनके जो सवाल है उसी के ऊपर जो बेसड जो यानी कि उस सवाल किस बंदे के ऊपर जो फिट बैठता है वो सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं मैं। मोर देन 50% 50% से जायद चांस लगते हैं हमें सऊदी अरेबिया फ्लैट्स ओपन हो जाएंगी, लेकिन इन शरायत के साथ। कौन सी शरायत? या हम सऊदी गाका के भाई सामने ये रखेंगे ऑप्शन के भाई ये ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ले लें, सब ले लें, फ्लैट्स ओपन कर दें। अभी मैं आपको ना वो ऑप्शन भी बता देता हूं, यहां पर मैं आपको वो ट्वीट भी दिखा रखा हूं बिलाल अकबर साहब खुद की तरफ से किया गया है, और आप भाइयों के साथ वो ऑप्शन भाई आपको बताता भी जाऊंगा। जिनमें फैमिली मेंबर हैं, आपको पता है विजिट वीजा 30 सितंबर तक बढ़ा दिए गए हैं, अगले माह की 30 तारीख तक विजिट वीजा बढ़ चुके हैं, लेकिन जिन बंदों को दोनों वैक्सीन की डोज कंप्लीट होंगी फैमिलीज वगैरह को, उनको इजाजत दे दी जाए। स्टूडेंट्स जो सऊदी अरब में तालीम वगैरह के सिलसिले में आना चाहते हैं, वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट है, तो उनको इजाजत दे दी जाए। यहां पर कंटाइन की आप ऑप्शन भी रख सकते हैं, यानी कि मर्द जो हजरात हैं उनको आप खुद से कंटाइन करवा लें, दोनों डोज भी कंप्लीट होंगी, पीसीआर टेस्ट भी होगा। यहां पर मैं आपको एक वीडियो शायद यहां पर अभी चलाकर दिखा दूं भाई, ये पाकिस्तान एयरपोर्ट से ली गई वीडियो है जी। पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर रैपिड पीसीआर टेस्ट की ऑप्शन यानी कि रैपिड पीसीआर टेस्ट भी करना शुरू कर दिया गया है यूएई ने, जैसा कि भाई एक शरायत रखी थी पाकिस्तानियों के ऊपर। तो रैपिड पीसीआर टेस्ट आप करवा लें, दूसरा सिंपल पीसीआर 72 घंटे पहले जो होता है वो भी करवा लें। बंदे ने दोनों वैक्सीन की डोज भी लगवाई हुई है, उसके बाद भी यहां पर आप बंदे को कंटाइन करना चाहते हैं 7 दिन 14 दिन के लिए, तो उसको खुद से कर लें। जो फैमिलीज हैं उनको घरों में कंटाइन की ऑप्शन आप दे दें, ये ऑप्शन भी उनके सामने रखा जाएगा और मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट ऑप्शन है। उसके नीचे लिखा हुआ है उम्रा वालों को, उम्रा जायरीन जाहरी सी बात है, अगर वो भी वैक्सीनेशन हो तो उनको भी आप इजाजत दें। जिन अफराद ने यहां से वैक्सीन लगवाई हो तवक्कलना के ऊपर, उनका स्टेटस अपडेट हो दोनों डोज का और छुट्टी पर गए हों, इस चीज के ऊपर मैं थोड़ी आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं, और मुझे ये चीज भाई खटक रही है फ्लैट्स को लेकर, मैं आपके साथ थोड़ी डिटेल शेयर कर देता हूं। 50% से ज्यादा चांस है इन ऑप्शन के ऊपर, यानी कि ये तमाम तर ऑप्शन सऊदी काका के सामने हम रखेंगे, बाकी इकामा वगैरह के मुतल्लक हरूब वगैरह के मुतल्लक भी बातचीत होगी। तो वो तो भाई 23 अगस्त को मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी बात कर लेते हैं जिन बंदों ने यहां से वैक्सीन लगवाई हो तवक्कलना के ऊपर, उनका स्टेटस अपडेट हो, छुट्टी पर गए हुए थे, क्या वो भाई उनको जहां इजाजत दे दी जाए तो बेस्ट है जी मेरे हिसाब से। मैं आपके साथ पहले भी वीडियो में यह क्लियर कर चुका हूं, सऊदी अरेबिया अपनी इंटरनेशनल फ्लैट्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बहाल करेगा, और सबसे पहले मेरे हिसाब से इन बंदों को इजाजत देगा जिनको यहां से वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, तवक्कलना के ऊपर यहां पर उनका स्टेटस अपडेट हो चुका था, छुट्टी पर गए हुए थे, अब सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं। हाँ, उसके साथ कुछ भाई मजीद जिनको दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं, रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाएं, अपना 72 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट करवाएं, यहां पर आपको 7 दिन का कंटाइन वगैरह करना होगा, ये ऐसी ऑप्शन भी ऐसी शरायत भी आएंगी और भी बंदों को इजाजत मिलेगी। लेकिन ये जो बंदे हैं जो यहां से वैक्सीन लगवा कर जा चुके हैं, ये भाई कन्फर्म है मेरे हिसाब से, सबसे पहले इन्हीं का नाम आएगा, उसके बाद इनके साथ दूसरे बंदों का फैमिली वगैरह का, उम्रा जायरीन है या इकामा होल्डर है या दोनों वैक्सीन की डोज कंप्लीट है एस्ट्राजेनिका फाइजर वगैरह की, तो उनके भी नाम इसके साथ आएंगे। ये तो भाई आने वाले वक्त में मुकम्मल डिटेल के साथ पता चलेगा, तो तभी आप सब शेयर कर सकेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।